किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस की करवाता हूं तो मेरा स्टार्टिंग बजट क्या होना चाहिए। सीधा सा एक वर्ड का आंसर है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, बात खत्म। जितना आप अफोर्ड कर सकते हो वही है आपका मार्केटिंग बजट। सिंपल सी बात, कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं, लोग कहते हैं कि आप बताओ कितना लग जाएगा। सर लग जाएगा 5 करोड़ रुपया पर डे का। लगाओगे? नहीं लगाओगे ना, तो लॉजिकली बताओ कि आप कितना खर्च करना चाहते हो। हमारे देश के अंदर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है और कुछ 40% लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम 40% लोगों को इंटरनेट पे ऐड दिखा सकते हैं आपके ब्रांड की। अब आप बताओ उन 40% लोगों को आप दिखाना चाहते हो या फिर नहीं दिखाना चाहते। हम तो दिखा देंगे। दिखा दोगे तो 50 पैसा लगेगा एक बंदे को दिखाने का। अगर आप दिन में सिर्फ एक बार ऐड दिखाते हो तो आपका, अगर हम 40 करोड़ बंदों की बात करके चल रहे हैं 50 पैसे के हिसाब से, तो 20 करोड़ रुपए लग जाएगा आपका दिन का एक बार दिखाने का। पर एक बार दिखाने से कुछ होगा नहीं, कम से कम आपको 10 बार तो दिखाना पड़ेगा, तो आपके एक दिन के अंदर 200 करोड़ रुपए लगेंगे। बताओ खर्च करोगे? नहीं करोगे। अब आप कहोगे कि भाई हमको टारगेटेड ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, आपको टारगेट ट्रैफिक चाहिए, क्या चाहिए? भाई मेरे को तो यूथ को टारगेट करना है। ठीक है, हमारे देश के अंदर 40% यूथ है, तो अभी जो 200 करोड़ लग रहा था उसका 40% निकाल दो, उतना आपका डेली लगेगा। लगाओगे? नहीं। नहीं, मेरे को तो यूथ चाहिए जो कि ये डैश चीज करती हो। ठीक है, वो जो ऑडियंस आ रही है उसका 10% ऑडियंस मान के चलते हैं अप्रॉक्स के लिए कि वो ऑडियंस होगी, तो जो पैसा आ रहा है उसका 10% आप दोगे डेली का? नहीं दोगे। ये लोग नहीं दे सकते यार। देखो सिंपल सी बात, आप बहुत पैसा खर्च कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डेली बेसिस के ऊपर, पर आपको समझना पड़ेगा आप कितना खर्च करना चाहते हो, जिससे आपके बिजनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। पेट काट के पैसा नहीं देना, पैसा इसलिए देना है आपका बिजनेस बढ़े। सिंपल सी बात, अगर पेट काट के पैसा दोगे ना तो आप बहुत जल्दी हार मान जाओगे और रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि रातों रात रिजल्ट आएंगे। रात को ऐड चलाइए, सुबह तक आपका बिजनेस करोड़पति बन जाएगा। कई बार ब्रांडिंग करने के लिए टाइम लगता है किसी किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो अगर ब्रांडिंग करने में टाइम लग रहा है, एसईओ की बात करके चलते हैं, 7-7, 8-8 महीने लग जाते हैं आपके बिजनेस को ब्रांड बनाने के लिए, तो 7-7, 8-8 महीने तक पैसा फूकना पड़ेगा, अपने बिजनेस के अंदर डालना होगा। तो अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं तो ये करूंगा, आप हार मान लोगे बहुत जल्दी। तो हमको ये चीज रियलाइज करनी है, मैं कितना पैसा अफोर्ड कर सकता हूं मंथली, अगर वो हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप उतना बजट लगाओ स्टार्ट।